तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आप सबका स्वागत है हमारे माइनक्राफ्ट के एक नए एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक सिंपल गोल्ड फार्म कैसे बना सकते हो। और ये गोल्ड फार्म जावा में भी वर्क करता है, बेडरॉक में भी करता है और पॉकेट एडिशन में भी करता है। तो आप इसे किसी में भी आराम से बना सकते हो और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला गोल्ड फार्म है पॉकेट एडिशन में। तो चलिए मैं आज आपको बता दूँ कि आप इसे कैसे बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसे बनाने के लिए आपको ऑब्सिडियन की ज़रूरत होगी, लगभग 64 चाहिए होगा। तो आपको एक 16x16 का पोर्टल बनाना है। तो चलिए मैं पहले दिखाता हूँ कैसे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, 15, 16। तो ये 16 हो चुका है। अब आपको है ना 16 ब्लॉक ऊपर जाना है। चलिए चलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। तो आपको एक इतना बड़ा पोर्टल बना लेना है। कोई कितना बड़ा पोर्टल बना लेना है। तो चलिए इस पोर्टल को मैं पहले कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये पोर्टल फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो देखने में ये कुछ इतना बड़ा पोर्टल दिखेगा। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं, इससे भी बड़े पोर्टल बनते हैं, 2020 के बनते हैं। लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल वाला बता रहा हूँ। फिर आपको कुछ ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी ये पता लगाने के लिए कि कौन सा साइड है ना आपका ये पोर्टल एक्टिवेट होता है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे है ना कुछ इस तरीके से बना लेना है, जिसके अंदर है ना आपका वाटर कलेक्ट होएगा, मतलब देख सकते हो कुछ इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पे एक ब्लॉक रख देना है, कोई भी डायरेक्शन में आप रख सकते हो। बस पता लगाना है कि कहाँ पे आपका ये मतलब स्पॉन होंगे मॉब। फिर इसके अंदर आपको वाटर लगा देना है। फिर वाटर लगाने के बाद आपको है ना यहाँ पे नॉर्मल ब्लॉक आएंगे। तो आपको एक क्लॉक बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको ऑब्जर्वर यूज़ करना होता है। तो एक ऑब्जर्वर यहाँ पे आएगा और दूसरा ऑब्जर्वर यहाँ पे आएगा। तो देख सकते हो ये क्लॉक बन चुका है। तो अब आपको चेक करना है कि कौन से साइड मॉब स्पॉन होते हैं। तो इसको एक्टिवेट करेंगे और ये ऑटोमेटिक मतलब बंद चालू होएगा। देख सकते हो ये साइड स्पॉन हुए, मतलब एक और बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो देख सकते हो ये साइड मॉब स्पॉन हो रहे हैं, यानी ये साइड हमारा चेंबर बनने वाला है। तो चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो इसको तो हमें पता चल चुका है कि कौन से साइड मॉब स्पॉन होते हैं। तो फिलहाल मैं इसको तोड़ देता हूँ। तो इसको तोड़ देना है जिससे कि ये रुक जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये साइड आपका चेंबर बनेगा, कलेक्टिंग एरिया। तो हमको यहाँ से ना यहाँ से ज़मीन में एक ब्लॉक हटा देना है जहाँ पे आपका वाटर आएगा। तो इसको हटा देता हूँ मैं फटाफट से पूरा। तो एकदम कॉर्नर तक हटा देना है, एक ही ब्लॉक हटाना है, ज़्यादा नहीं, बस यहाँ तक हटा देना है। अब आपको क्या करना है, आपको ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी इधर से कवर करने के लिए। आप कोई भी ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, ग्लासेस यूज़ करोगे तो आपको मॉब दिखेंगे आराम से। तो मैं ये ग्लासेस लगा देता हूँ ये साइड। तो ग्लासेस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपको मॉब दिखेंगे मरते हुए और आते हुए, और कुछ ज़्यादा नहीं। तो आप कोई भी ब्लॉक यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इसको फटाफट से लगा देते हैं। ये साइड स्पॉन होंगे तो हमको सिर्फ ये साइड लगाना है, पीछे वाले साइड आपको कोई भी लेना देना नहीं है। और आप चाहो तो इसको नहीं तोड़ना, क्योंकि यहाँ से आपके जितने भी मॉब होंगे सब नीचे तक पहुँचेंगे। तो और ये आपका पोर्टल को बंद चालू करने का काम करता है। तो चलिए इसको मैं ना फटाफट से कवर कर देता हूँ। तो ये मैंने ग्लास से कवर कर दिया है और यहाँ पे भी कवर कर देते हैं। यहाँ पे खुला रखना है, यहाँ पे आपका वाटर जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको है ना इसके पीछे के पीछे वाले साइड आपको आना है। आगे के साइड वो स्पॉन होंगे तो इसके अपोजिट साइड में आपको ऊपर कहीं पे भी रैंडमली आपको एक ब्लॉक लगाना है, कितने भी हाइट पर लगा सकते हो आप यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 6 ब्लॉक आगे आना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्लॉक आगे आना है, ओके। फिर आपको यहाँ पर ना एक ऑब्जर्वर लगाना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर लगेगा और 6 ऑब्जर्वर इस साइड आएंगे, मतलब टोटल 7 होता है। तो एक सामने की साइड लगेगा, फिर 6 इसके और पीछे की साइड लगेगा। तो 1, 2, 3 और ये 4, 5 और ये काउंट कर लेता हूँ कितने हुए। तो ये टोटल 5 हुए ना, तो हमको 6 लगाना है। तो ये हो गया 6। अब आपको इसको पूरी तरह से कवर कर देना है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से कवर कर लेना है ये पूरा ऑब्जर्वर को। तो ये आपका पोर्टल को एक्टिवेट करने का काम करेंगे। इधर भी आपको कवर कर लेना है। फिर ये कवर करने के बाद आपको इसके ऊपर जाना है और यहाँ से इसको है ना आपको 2 ब्लॉक ऊपर कर लेना है। तो चलिए मैं 2 ब्लॉक ऊपर कर लेता हूँ। तो इसको पूरी तरह 2 ब्लॉक से कवर कर लेना है और सामने के साइड आपको है ना नीचे वाला ब्लॉक छोड़ देना है और उसके डायरेक्ट ऊपर वाला ब्लॉक लगाना है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा और यहाँ पे इसको कवर कर लेना है और यहाँ पे भी बंद कर लेना है। तो ये कुछ दिखने में इस तरीके से होगा।
फिर आपको यहाँ पे एक चीज़ करना है, वो फिर आपको इसके अंदर एक बकेट ऑफ लावा डालना है। तो उससे पहले आपको ट्रैप डोर की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे ट्रैप डोर लगाना है आपको। तो ट्रैप डोर को इस तरीके से लगा देना है, और लगाने के बाद आप इसको ट्रैप डोर को खोल भी देना है। तो चलिए फटाफट से लगा देते हैं, और इस लगाने फिर इसके अंदर एक बकेट ऑफ लावा आपको बीच में डाल देना है यहाँ पे। तो ऐसे डालने से ना ये हमारा पोर्टल को एक्टिवेट हो जाएगा, देख सकते हो एक्टिवेट हो चुका है। और उसके बाद आप इसको ऊपर से बंद भी कर सकते हो अगर आपको बंद करना हो, और खुला रखना तो खुला भी रख सकते हो। फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक बकेट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको बकेट ऑफ वाटर यहाँ पे कॉर्नर पे डालना है। तो इससे क्या होगा, जितने भी मॉब स्पॉन हो गए, सॉरी ऊपर के साइड नहीं लगाना, ये गलत लग गया, आपको यहाँ पे नीचे डालना है। तो यहाँ से जितने भी है ना मतलब स्पॉन हो गए सब नीचे जाएंगे। फिर यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे ना एक ब्लॉक खोद के इसको आगे के साइड तोड़ देना है। तो इससे क्या होगा, सारे के सारे है ना मॉब स्पॉन होकर डायरेक्ट नीचे ही आएंगे। तो यहाँ तक आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक बटन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमको यहाँ तक पानी को लाना है, तो हम यहाँ पे एक बकेट इधर एक बटन को मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पे एक बटन लगाते तो यहाँ पे तक रुक जाएंगे। फिर आपको सबसे इम्पोर्टेंट करना है, यहाँ से आपको कम से कम नीचे है ना 18 ब्लॉक नीचे जाना है। तो 1 और ये 2 और यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है एक्चुअली, तो चलिए पहले लाइट कर लेता हूँ मैं। तो अभी अभी मैंने पोशन पी लिया है सिर्फ दिखने के लिए। तो यहाँ पे आपको लाना है, यहाँ पे आपका हॉपर होगा और यहाँ पे आपको एक चेंबर बना लेना है। तो 18 ब्लॉक हो चुके, तो आपको यहाँ पे एक एरिया बना लेना है थोड़ा सा बड़ा, सामने के साइड जहाँ पे आप मतलब आपके चेस्ट लग सकते, एक बड़ा स्पेस होना चाहिए कि आप आराम से यहाँ पे खड़े हो सकते हो। तो यहाँ पे कर देते फटाफट। फिर ये जो ब्लॉक पे आए हैं ना, ये ब्लॉक पे आपका हॉपर आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चेस्ट लगा लेना है आपका, मतलब एक स्टोरेज बना लेना है, जितना भी बड़ा आपको स्टोरेज बनाना हो। तो चलिए फटाफट से ना, हम ज़्यादा बड़ा स्टोरेज नहीं बनाएंगे, हम 4 चेस्ट लगा देंगे। तो कुछ इस तरीके से एक चेस्ट आएगा, फिर यहाँ पे आपको एक हॉपर लगा देना है। तो इस तरीके से हॉपर आएगा, फिर इसके ऊपर भी आपको चेस्ट लगा देना है, और फिर यहाँ पे तोड़ के हॉपर लगा देना है आपको। तो इस तरीके से एक इनफ बड़ा स्पेस बन जाएगा, यहाँ पे आपके मॉब गिरेंगे। और आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ करना है, वो है ग्लास। तो ग्लास को इधर लगा यहाँ पे लगा देना है, जिससे कि ना मॉब बाहर स्केप नहीं करेंगे और आपका ये खुल सकता है और आगे से मॉब स्केप कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमको कुछ लगाना है, तो यहाँ पे एक ब्लॉक लगा सकते हैं और यहाँ से आप उनको मारोगे। और एक्चुअली यहाँ पे है ना वो छोटे वाले ज़ॉम्बी स्केप कर सकते हैं। तो आपको एक ओनली एक स्लैब की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक स्लैब आप यहाँ पे ऊपर लगा सकते हो। तो यहाँ से आप उनको आराम से मार सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, वो यहाँ से स्केप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब है ना ऊपर चल के हमको एक्टिवेट करना है। तो यहाँ से हमको ना 5 ब्लॉक, तो यहाँ से हमको 5 ब्लॉक दूर जाना है। तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4 और ये 5, और यहाँ से है ना आप 6 भी जा सकते हो, और यहाँ से आपको ऊपर जाना है। तो यहाँ से ऊपर चलते हो, और यहाँ से लेडर्स लगा सकते हो आप एक्सिस के लिए, लेडर से आप आराम से ऊपर जा सकते हो यहाँ से। तो चलिए हम चलते हैं फटाफट ऊपर। तो फाइनली हम बाहर भी आ चुके हैं, तो देख सकते हो ये हमारा फार्म, और हम यहाँ पे आ चुके हैं। और देख सकते हो ये हमारा फार्म कभी मतलब इसको हमको एक्टिवेट करना है। तो देख सकते हो एकदम सही बन चुका है, बस हमको इसको एक्टिवेट करना है। तो चलिए इसको हम एक्टिवेट करते हैं। तो गाइस ये फार्म को एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ हमको यहाँ पे ये ब्लॉक मतलब ये प्लेस कर देना है ऑब्जर्वर। तो चलिए हम इसको प्लेस करते हैं, देख सकते हो ये अब एक्टिवेट हो चुका है, और देख सकते हो मॉब भी स्पॉन हो रहे हैं। लेकिन हमको इसको बंद करने के लिए कभी कभार है ना इसको बंद भी करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमको यहाँ पे ना एक ये पिस्टन लगा देना है, और पिस्टन को इस तरीके से लगाना है, तो इस साइड लगाना है एक्चुअली। तो एक मिनट में लगाता हूँ कुछ इस तरीके से। तो जब भी इसको बंद करना होगा तो हमको सिर्फ इसको इस तरीके से एक्टिवेट कर देना है, तो ये बंद हो जाएगा। और देख सकते हैं वो यहाँ से स्केप कर रहे हैं गलती से। तो हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा हमको ऊपर लेयर बना लेना है, जिससे कि वो स्केप ना कर पाए। तो यहाँ से वो आराम से स्केप कर पा रहे थे, तो इसको मैं फटाफट से बड़ा कर देता हूँ। तो थोड़ा ऊँचा कर लिया, अब वो यहाँ पर स्केप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब है ना इसको फिर से एक्टिवेट करते हैं। और वो पीछे के साइड इसलिए मतलब स्केप किए थे क्योंकि मैंने ये फार्म बंद किया था, फार्म बंद करने पे हो जाता है।
फिर इसको मैं अभी बंद कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, अब मैं नीचे चलता हूँ। तो यहाँ से आप लेडर्स के थ्रू जा सकते हो। तो चलिए अभी नीचे चलते, देख सकते हो बहुत सारे मॉब आ चुके हैं और कुछ तो खुद ही मर रहे हैं। तो सिंपली आपको मानना है, अगर आप इसमें लूटिंग 3 का यूज़ करोगे तो देख सकते हो, इसीलिए मैंने लगाया कि ये बच्चे यहाँ से स्केप ना कर पाए। और अभी चेक करते कितने हुए, तो देख सकते हो इतने सारे हो गए। आप इसमें लूटिंग 3 लगाओगे तो आपको बहुत सारे मॉब मिलेंगे। तो चलिए वो फार्म को अभी एक्टिवेट करके आता हूँ और फिर हम मारना स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया है, देख सकते हो यहाँ पे है ना, बहुत सारे आ रहे हैं। और वो तो एक पहले से ही बाहर था, उसको मतलब उसको इग्नोर करो। तो देख सकते हो ये फार्म मस्त वर्क कर रहा है और मॉब को भी स्पॉन कर रहा है। अभी हम नीचे चलते हैं और मॉब्स को मारते हैं। देख सकते हो ये मॉब्स आ रहे हैं, देख सकते हो। और इन यहाँ पे ना आप लूटिंग थ्री लगा सकते हो, जिससे कि बहुत सारा आपको लूट मिले। और ये फार्म बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बनाना, बस आपको ऑब्सीडियन का थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होगा माइन मतलब कलेक्ट करने में, बहुत टाइम लगेगा। और देख सकते हो ये आपको ठीक ठाक गोल्ड देता है, ये प्रोवाइड करता है। बस आपके पास लूटिंग 3 होना चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मिलता है। तो देख सकते हो ये अभी अभी स्टार्ट हुआ है, फिर भी काफ़ी सही वर्क कर रहा है और काफ़ी सारे स्पॉन हो रहे हैं। तो आई होप आज का आपको ये फार्म पसंद आया हो। अभी मैं आपको एक और बार लुक दिखा देता हूँ ऊपर से ये कैसा दिखता है। तो देख सकते हो ये दिखने में कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये एक ओके, यहाँ पे कोई भी बाहर नहीं, मुझे लगा बाहर निकला। तो देख सकते हो ये काफ़ी सही वर्क करता है और बहुत सारे पिगलिन को स्पॉन करता है। अगर आपको एक सिंपल सा बेसिक सा एक छोटा मोटा चाहिए तो आप इससे आराम से बना सकते हो। अगर आपको इससे भी बड़ा वाला बनाना हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको एकदम सिंपल फार्म बताया है जो काफ़ी सही है, देख सकते हो काफ़ी सही फार्म है, तो आप इसको आराम से बना सकते हो। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई माइनक्राफ्ट के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।